वेदर बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और इस खूबसूरत वेदर में आज आपका भाई आपको दिखाने वाला है सोना एलिवेटेड रोड पे क्या कुछ काम चल रहा है। जी हाँ, सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। राइट हैंड साइड में मेरे है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर और लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे जो कि एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है सोनार रोड का। जगह ही है राजीव चौक और यहां से जब आप लेफ्ट लेते हो तो आपको कनेक्टिविटी मिलता है इस सोनार रोड का। सामने लिखा है सुभाष चौक, फिर आएगा बादशाहपुर और उसके बाद आएगा सोना और इस जगह पर सोना में आपका राजीव चौक पे आपका स्वागत है और स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। कुछ वक्त पहले इस जगह पे इतने सारे लेन आपको नहीं दिखते थे और ये ग्रीनरी भी नहीं दिखता था। पिछले एक दो साल में अच्छी खासी ग्रीनरी यहाँ पे हो गई है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। जिस लेन पे मैं अब ड्राइव कर रहा हूँ ये लेन है एक्सप्रेस लेन जो कि है 3 लेन का। एक्सप्रेस लेन से आप नज़ारा देखिए, कितना अद्भुत नज़ारा है ये। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये सोना रोड होने वाला है आने वाले वक्त में, या फिर यूं कहें कि कितना खूबसूरत हो सकता है सोना। और इसीलिए इसे कहा जा रहा है साउथ ऑफ गुड़गांव। और अब मैं आपको दिखाता हूं सर्विस रोड कि किस तरीके से सर्विस रोड बनाया जा रहा है। और यहां पर इस जगह पर एक अंडरपास दिया गया है, इस्लामपुर विलेज है ये सेक्टर 38। और इस जगह पर इसलिए ये अंडरपास दिया गया है क्योंकि यहां पर लोगों का मूवमेंट अच्छा खासा है। ये जो अंडरपास दिया गया है ये पैसेंजर अंडरपास दिया गया है ताकि लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए इसे यूज़ कर सके, और या फिर जो बाइक्स होते हैं 2 व्हीलर्स या फिर 3 व्हीलर्स वो इसे यूज़ कर सके क्योंकि इसी वजह से इसी पर्पज से उसे दिया गया है। यहाँ पर सर्विस रोड ये बनकर तैयार हो चुका है। जितना सर्विस रोड की जगह दिख रही है, कुछ वक्त पहले सोना रोड इतना ही हुआ करता था। और कुछ वक्त से मेरा मतलब ज़्यादा दूर मत जाइएगा, सिर्फ एक दो साल पहले की बात बता रहा हूँ, सिर्फ इतना ही होता था। ईस्ट साइड 2 लेन, टोटल 4 लेन का था, लेकिन आज ये ईस्ट साइड 5 लेन है, डबल से भी ज़्यादा, और दोनों साइड को मैं ऐड करूँ तो 10 लेन का बन जाता है। तकरीबन 1350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इस 1350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से कितना खूबसूरत बनाया जा रहा है इसकी झलक आपको दिखती है। यहाँ पर टीम काम कर रही है इस जगह पर ताकि अंडरपास बनाया जा सके, और कुछ वक्त बाद तो मैं इस लेन को यूज़ भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मिट्टी निकालने का काम किया जाएगा ताकि अंडरपास बनाया जा सके। और इंतज़ार किस चीज़ का है? इंतज़ार है इस जगह पर कि सर्विस रोड जो कि बनाया जा रहा है वो बनकर जब तैयार हो जाए उसके बाद इस अंडरपास का काम यहाँ पे किया जाएगा। जगह है ये सुभाष चौक, और सुभाष चौक पे ऑलरेडी यहाँ पर एक फ्लाईओवर है और इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट नहीं दिया गया है, अंडरपास का चयन किया गया। इस प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 का जो कॉस्ट है, जो कि मैं आपको जो अभी दिखा रहा हूँ, ये फेज़ 1 ही है जो कि राजीव चौक से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है मारुति कुंज मोड़ पे, तो ये है 700 करोड़ का। और उसके बाद स्टार्ट होता है फेज़ 2 जो कि है 600 करोड़ का। और ये है सर्विस रोड, यहाँ पर सर्विस रोड बन चुका है और इसी वजह से जो अंडरपास का काम है वो इस जगह पर किया जा रहा है। अंडरपास बनाया जा रहा है ताकि हम और आप आने वाले वक्त में बिना किसी परेशानी के राजीव चौक पे एक बार आप कनेक्ट होगे और फिर आप बड़े आराम से सोना तक जा सकते हैं। आपकी मर्जी होगी आपको एग्जिट कहाँ पे लेना है, लेकिन आपकी मर्जी एंट्री के टाइम पे नहीं चलेगा क्योंकि इस पे एक्सेस कंट्रोल दिया गया है, तो एक्सेस के जरिए ही आप इस पे एंटर कर सकते हैं जहाँ पे एक्सेस पॉइंट दिए गए। यहाँ से इस एलिवेटेड पार्ट का सबसे बड़ा फ्लाईओवर स्टार्ट होता है जो कि है तकरीबन 5 किलोमीटर से भी लंबा। एक बार आप कनेक्ट करोगे तो सीधा ये जो एलिवेटेड पार्ट जहाँ पे नीचे आता है, यानी कि ये आता है सेक्टर 68 के पास, इस्कॉन टेम्पल के पास, वहीं पे आप एग्जिट ले सकते हो। उससे पहले आप कहीं भी नहीं ले सकते हो। अगर आपको बादशाहपुर जाना है, अगर आपको सफायर मॉल, ओमेक्स मॉल, वाटिका चौक, या फिर अगर आपको जाना है द्वारका एक्सप्रेसवे, तो आप इस एलिवेटेड पार्ट को यूज़ मत कीजिएगा। यही एक सजेशन है क्योंकि इस एलिवेटेड पार्ट से आप सीधा सेक्टर 68 यानी कि इन सभी जगहों को क्रॉस करने के बाद ही नीचे आ सकते हैं।
हाँ, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको बादशाहपुर का स्लो डाउन ना झेलना पड़े, ताकि आपको वाटिका चौक का स्लो डाउन ना झेलना पड़े, ओमेक्स मॉल के पास जो स्लो डाउन लगता है उसे भी ना झेलना पड़े। तो जो लोग आगे जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है ये एलिवेटेड पार्ट। अगर आपको आगे जाना है तो ही फ्यूचर में आप इस एलिवेटेड पार्ट को यूज़ करना, आगे नहीं जाना है ना तो भूल के भी ये गलती मत करना, बहुत लंबा पड़ने वाला है क्योंकि लंबा है ये एलिवेटेड पार्ट, 5 किलोमीटर लंबा। तो आप 5 किलोमीटर पहले ड्राइव करके आगे जाओगे तो टर्न लेके आओगे जी। एक पिलर पे 6 लेन बनाया जा रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक पिलर पे 8 लेन बनाया जा रहा है, लेकिन इस पे एक पिलर पे 6 लेन बनाया जा रहा है। ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर जिसे कि हम विंग्स कहते हैं, इसे ऐड करने के बाद ईस्ट साइड 3 लेन का हो जाता है। पहले पिलर्स बनाए जाते हैं, उसके बाद एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जाता है, और उसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं आप इसे ऐड किया जाता है। और आपको पता भी नहीं चला होगा कि हम ड्राइव करते करते स्पेस हाईटेक पार्क के पास पहुंच गए हैं, या फिर ओमेक्स मॉल। ओमेक्स मॉल जो है ना, ये ओमेक्स मॉल ये सबसे पहला था इस पूरे सोना रोड को अगर जाना जाता था पास्ट में, तो वो जाना जाता था ओमेक्स मॉल की वजह से, क्योंकि ओमेक्स मॉल के अलावा इस पर कुछ था ही नहीं। और जब ये ओमेक्स मॉल बन रहा था तब लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले कुछ 8-10 सालों में ये इतना बदल जाएगा। बहुत बदल गया है, इस पर बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं भी था, या इतनी जल्दी आप और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, और वो हुआ भी है। और ये जो बनाया जा रहा है सोना एलिवेटेड रोड, इसे बोलते हैं NS-248A। स्टार्ट होता है ये हरियाणा से और ख़त्म होता है जाकर राजस्थान में। बहुत बड़ा रोड है ये, और इसीलिए आपको इस पे गाड़ियाँ हर वक्त दिखेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस पे कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। सामने जो बस आपको जाती हुई दिख रही है वो अलवर जा रही है, उसके आगे नूह, फिर मेवात, और उसके अलावा जो सिटी बसेस है, जो गुड़गांव सिटी बसेस है, वो भी आपको इस पे मिलेगा। वो तो सोना बस स्टैंड तक ही जाता है, लेकिन उससे आगे भी अगर आपको जाना है तो हर वक्त पे इस पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बिजी रोड है। आगरा भी जा सकते हो आप इससे, आप मथुरा भी जा सकते हो, वृंदावन भी जा सकते हो, अलवर जा सकते हो आप इससे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे भी कनेक्ट हो सकते हो। और जब वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन जाएगा तब तो और भी बिजी हो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल सही। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये जो बस है ये जा रहा है अलवर, आगे जो है वो जा रहा है नूह, और इस पर लिखा भी है राजस्थान परिवहन निगम अलवर डिपो, SBI बैंक। रिनोवेट किया गया है इसे, और इसीलिए आपको ये ब्रांड न्यू दिख रहा है। अब इसके फसाद को चेंज किया गया है, और अब जो SBI बैंक जो कि एक लैंडमार्क है बादशाहपुर में, वो अब नया दिखने लग गया है। बादशाहपुर का ये मार्केट याद कीजिए आप, यहाँ पे कितना स्लो डाउन लगता था, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है, और उसे बार बार मैं आपको याद भी नहीं दिलाऊंगा और दिलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब स्लो डाउन उतना लगता नहीं है जितना पहले इस पे लगा करता था। और उसका सबसे बड़ी वजह था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेन की जगह थी नहीं, इसी वजह से यहाँ पर स्लो डाउन लगा करता था। और जब ये एलिवेटेड पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो स्लो डाउन आप भूल ही जाइए, क्योंकि ये जो एलिवेटेड पार्ट, ये जो फ्लाईओवर रहीजा मॉल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यही वो एलिवेटेड पार्ट है, और अभी तक ये कंटिन्यू ही है। नीचे जिस जगह पे आएगा वो जगह भी मैं आपको बता दूंगा, जो कि सेक्टर 68 मैंने आपसे कहा। आपको रस इतना
इसलिए यहाँ पे दिखता है कि सामान सस्ते रेट पे मिल जाता है, मतलब होलसेल रेट पे। इसीलिए बादशाहपुर का ये जो मार्केट है ना, ये बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है, और इसीलिए आपको यहाँ पे कॉमर्शियल गाड़ियाँ या प्राइवेट गाड़ियाँ भी बहुत सारी दिख जाएंगी। घर बनाने से लेके खाने पीने तक की हर एक चीज़ इस मार्केट में मिलती है, और इसीलिए यहाँ पर स्लो डाउन पहले भी लगा करता था और आज भी लगा करता है। ये जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक और लॉन्चर जो कि बादशाहपुर पहुँचता हुआ, और इनफैक्ट बादशाहपुर ये पहुँच ही चुका है। बादशाहपुर के मार्केट के पास जहाँ पर वो जो नैरो हो जाता है सब्जी मंडी जो मैंने आपको दिखाया है, उस जगह पे जब ये पहुंचेगा तो अच्छा खासा स्लो डाउन लगेगा। जैसे ये लॉन्चर वहां पे पहुंचेगा तो ये बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, और इस बोर्ड को लगाने के बाद ज़्यादा जगह बचेगी नहीं ड्राइव करने के लिए। तो वो जो 15-20 दिन होने वाले हैं वो बड़े पेनफुल होने वाले हैं बहुत लोगों के लिए। अब ये एलिवेटेड पार्ट यहाँ पर आता है नीचे इस पॉइंट पर, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा स्कॉन टेम्पल। ये देखिए, ये है स्कॉन टेम्पल, और यहाँ पे आपको बोर्ड भी दिख जाएगा, यातायात पुलिस गुरुग्राम सेक्टर 68। यहाँ पर फेज़ वन का काम ख़त्म होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है फेज़ टू का काम। ये किसी और दिन किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा, घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और ये जगह है मारुति कुंज मोड़, और यहाँ पर आपको दिखा करता था लॉन्चर, वो लॉन्चर आगे जा चुका है, बहुत आगे, वो देखो कितना आगे जा चुका है, और अब दोनों लॉन्चर जो है साथ में मिलने ही वाले हैं आपस में। किसी और दिन फेज़ टू दिखाऊंगा, ये देखो दोनों लॉन्चर एक साथ मिलने वाले हैं, देख रहे हो। चलो अब मैं लेता हूँ यू टर्न, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मज़ा आएगा लेकिन देखने में। अगर आप कभी भी इस सोना रोड पे आओ, या फिर अगर आप गुड़गांव और उसके आसपास रहते हो और आपको एक छोटा सा ट्रिप करना हो, थोड़ा सा सुकून चाहिए और नेचर भी, तो आपको एक जगह पे लेके चलता हूँ, आप उस जगह पे जाना बिल्कुल मत भूलना। पास में ही है जो BSF कैंप है ना, बस वहीं पर दिखाता हूँ अभी, क्योंकि आप आखिरी तक आपने वीडियो देखा है तो आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना बनता ही है, है ना। तो ये है BSF कैंप का जो वॉल है, ये जो वॉल जैसे ही ख़त्म होता है, अगर आप, क्योंकि अफकोर्स आपको यू टर्न लेके ही आना पड़ेगा, अगर आप राजीव चौक की तरफ से गुड़गांव से भी आते हो या फिर सोना से आते हो, तो जैसे ही ये वॉल ख़त्म होता है इसका, ये वॉल ख़त्म होने के साथ ही यहाँ से एक रोड जाता है, ठीक है। इस रोड में आपको लेना है लेफ़्ट, तो यहाँ से आपको लेना है लेफ़्ट, और उसके बाद का जो नज़ारा है थोड़ा सा ड्राइव करने के बाद अद्भुत दिखने वाला है आपको। ये पार्ट मैं आपको थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप लेफ़्ट लेना और फिर नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत दिखने वाला है आपको। बट इस पर फास्ट ड्राइव मत करना, क्योंकि ये एरिया BSF के अंदर आता है, जी हाँ। चलो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको ये भी दिखाई देता हूँ लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके। थैंक यू सो मच।
तो इस जगह पे यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको अपनी गाड़ी को करना पड़ेगा पार्क, और इसके बाद पार्किंग में लगाने के बाद ऊपर एक मंदिर भी है माता का, उसके भी दर्शन कर सकते हो, और फिर उसके बाद और पीक पे जाना है तो भी आप जा सकते हो, और वहाँ से ना फिर दिखता है पूरा सोना और पूरा गुड़गांव। तो यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं, ऐसा मत समझना कि रास्ता खाली था तो यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं और फिर यहाँ पर अपनी गाड़ियों को पार्क करने के बाद वो ऊपर घूमने जाते हैं। और सैटरडे संडे को तो यहाँ अच्छा खासा रश रहता है, बहुत अच्छा खासा रश रहता है, जी हाँ। तो वीकेंड को अवॉइड करना, क्योंकि रोड जो है वो बहुत नैरो है, तो इसलिए वीकेंड को थोड़ा सा आपको ड्राइव करने में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज आप किसी भी दिन आ सकते हो, जी हाँ। तो चलो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से लेना पड़ेगा यू टर्न।